लोगों ने अभी तक बात किया कि लक्ष्य जो है हमारा सुखी होना, समृद्ध होना, और उसकी सारा मेहनत तो उसी के लिए कर रहे, सुखी होने, समृद्ध होने और उसकी निरंतरता के लिए। उसके लिए महत्वपूर्ण बात जो समझ में आई वो ये समझ में आई कि चार स्तर की व्यवस्था में जो हमारा जीने का फैलाव है उसकी व्यवस्था को सही सही समझ के सही सही जी के सुखी हुआ रहने के कारण इस क्रम में हम लोग मानव की व्यवस्था को समझें, फिर परिवार व्यवस्था को समझें। अभी क्या समझ गए? मानव व्यवस्था को समझे, फिर परिवार व्यवस्था को समझे, आप कौन सी व्यवस्था समझे। समाज व्यवस्था में भी हम लोग चार लक्ष्य, कौन कौन से चार लक्ष्य? पहला कौन सा? हर व्यक्ति समाज का पहला लक्ष्य खोलना चाह रहा है ना,
तो जितना आपको देखा वो तो लगा रहा है, आप क्या कह रहे हो कुछ अपना भी लगा रहा है, तो इसी को क्या कहा? फिर अगला है अनुशासन। अनुशासन और आज्ञा पालन। आज्ञा पालन का क्या मतलब है? आपसे बड़े लोगों ने आपसे कह दिया ये पानी ले आओ, ये गिलास रखाओ, ये किताब ले आओ, एक एक जो दे रहे हैं इसको क्या कहा? आज्ञा। और आप ऐसा कर रहे हैं तो इसको क्या कहा? आज्ञा पालन। अनुशासन का क्या मतलब है? आपको नियम बताए कुछ, आठ दस इंस्ट्रक्शन, आठ दस आज्ञा एक साथ दे दिए, सुबह उठ जाओ, नहा लो, नाश्ता कर लो, बैग पैक कर लो, स्कूल चले जाओ, ये सब बता दिया आपको नियम। आप वैसा कर रहे हैं तो इसको क्या कहा? और वैसा नहीं कर पा रहे हैं तो अनुशासन। समझ में आ रही बात? अब अगर ठीक से देखेंगे तो इतना काम विद्यालय आने में होता है, आकर के होता है कि विद्यालय आने से पहले ये सब होता है? उसमें से बहुत सारा काम परिवार में शुरू होता है। इसी के तहत आप भाषा सीखते हैं, आपके छोटे भाई बहन की भाषा सीखते हैं, बहुत सारी चीजें सीखते हैं। फिर जब आप यहाँ विद्यालय आए इसके साथ, तब आपके शिक्षक भी कुछ कुछ आपको बताते हैं, माता पिता भी कुछ कुछ बताते हैं, और आपके भीतर से भी कुछ कुछ चल रहा होता है। एक ही जगह से चीजें आ रही, तीन तीन जगह से आ रही, यहाँ जांच शुरू। अगर सब जगह से एक जैसा आ रहा है, सब ठीक आ रहा है, वैसा करके आप चुकी हो रहे हैं, है ना, आप आराम में आ रहे हैं, तो आप वैसा खुद से करने लग जाते हैं। तो यही अनुशासन किसमें बदल जाता है? स्व अनुशासन। आपने जांच में देख लिया कि ऐसा करके आप चुकी हो रहे हैं, बार बार चुकी हो रहे हैं, और आप चुकी होना ही चाहते हैं, आप उसको खुद से बार बार करने लग जाते हैं, तो यही क्या बन जाता है? आप क्या चाहते हैं, सिर्फ अनुशासन में रहें या स्व अनुशासन में चले? अंतर है दोनों में कुछ? बताएगा क्या अंतर है? बताएगा अंतर है, ये तो दिखता है। इसमें हमको कुछ बताया गया हम वैसा करते हैं, हमने जांच के देख लिया कि ऐसा करके हम सुखी होते हैं, आप सुखी होने के लिए खुद ही हम वैसा कर रहे हैं, तब तो क्या हो गया? दोनों में कहाँ रहना चाहते हैं? अब हम जो कर रहे होते हैं हमको उसका कारण भी पता होता है कि ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं। तो सुबह अगर हम सूरज उठने से पहले उठ रहे हैं तो हमको कारण पता है, उससे हमारा शरीर व्यवस्थित रहता है। हम पेड़ को अगर पानी दे रहे हैं तो हमको उसका कारण पता है, तो हमारा विश्वास जो कहलाता है उसी को क्या कहते हैं? तो अगर ये काम ठीक हो गया तो आत्मविश्वास बढ़ जाता है, फिर हम बड़े होकर लगातार ऐसा ठीक जी पाते हैं, तो अगले लोग हमारे संपर्क में आते हैं वो भी ठीक जीने लग जाते हैं, और एक ठीक व्यवस्था बन जाती है जिसमें सब लोग आत्मविश्वास से सुखपूर्वक जी पाते। लेकिन हर बार ऐसा आपको जरूरी नहीं है, जांच में हर बार सही मिलना जरूरी नहीं है, जांच में गलत भी मिल सकता है। बाप आप जो दे रहे हैं कई बार लगता है उसमें कुछ सही है कुछ, विद्यालय में भी लगता होगा कि कुछ सही है कुछ लगता है। अच्छा अपने बारे में लगता है क्या कि हमारे भीतर से जो आ रहा है उसमें कुछ सही है कुछ गलत है? लगता है उसको तय होता होता है कुछ होता है। जैसे हमारे घर में हमारे साथ एक टीचर पढ़ाते हैं मनीष नाम है उनका, उनकी बेटी थी 6 साल की सीधी नाम है। एक बार वो बैठ करके उनके साथ शाम को नाश्ता कर रहे थे, नाश्ता करते वक्त जो है दोनों अपने अपनी प्लेट में नाश्ता कर रहे थे, तब तक सिमी की दोस्त उसको खेलने के लिए बुलाने आ गई, तो प्लेट छोड़ के वो दौड़ने लगे। तो मनीष जी ने उसे कहा उसके पिता ने बुला के कि नहीं नहीं ठीक नहीं है, पहले नाश्ता फिनिश करो फिर जाओ। फटाफट उसने नाश्ता फिनिश किया, खेलने के लिए थोड़ी जल्दी होती है ना, फिनिश किया जाने लगी, तो उन्होंने रोक के फिर बोला कि नहीं नहीं अपनी प्लेट रख दिया जहाँ धोते हैं बटकर। तो वो बोले कि आप रखते जाने अपनी प्लेट रखने जाने अभी खेलने जा रही थी। तो उसने उन्होंने उनको समझाया नहीं नहीं ये ठीक नहीं है, हर व्यक्ति को अपनी जूठी प्लेट कम से कम जहाँ बर्तन धोया जाता है वहाँ रख के आना ठीक है। तो प्लेट उठाई ले जाके रखी, खेलने चली गई, खेलने में चली गई। 15-20 दिन बीता, अभी मनीष जी खाना खा रहे होंगे, खाना खा के अपनी प्लेट अपनी बेटी की तरह पढ़ा दिया, बेटा इसको भी रख देना। तो उसने पलट के कुछ कहा होगा, क्या कहा होगा? उसने प्लेट के कहा नहीं नहीं आप तो अपनी प्लेट खुद रखनी चाहिए, है ना। अब
बच्ची ने क्या पिताजी जैसा कह रहे हैं वैसा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? पिताजी ने क्या कहा कि हर व्यक्ति को प्लेट पर रखनी चाहिए, आप तो कुछ तो रख नहीं रहे, तो बेटी का विश्वास पिताजी पे बना रहेगा कम होगा? तो आप भी अपने छोटे भाई बहन को जो कह रहे हैं करने को, अगर वैसा खुद नहीं कर रहे हैं तो आपके छोटे भाई बहन का विश्वास आप पर बढ़ेगा कम होगा? एक जल्दी तो जिससे जांच में बच्चा गलत पाता है तो आपस का विश्वास कम होगा। इसका उदाहरण जैसे आप देखेंगे ना, कई बार आप घर में गलती करते हैं तो मम्मी डांटती है तो कम डर लगता है, लेकिन मम्मी अगर कह दे कि ऐसा करो, ये दूध पियो, ये होमवर्क करो या ये काम करो, नहीं तो तुम्हारी पीछे से तुम्हारी शिकायत कर देगी, तो डर ज्यादा लगने लगता है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उस समय तक हमको ये लग गया कि माता पिता बहुत सारी गलती करते हैं, लेकिन टीचरों के बारे में ऐसा लगता रहता है कि ये लोग कम गलती करते हैं या नहीं गलती करते हैं, इसलिए हमारा विश्वास माँ बाप से भले कम हुआ लेकिन शिक्षकों पर बना है, इसलिए शिक्षक की नजर में हमारा सम्मान कम हो जाएगा, हमारा अपमान हो जाएगा, इसलिए डर लगता है, इसलिए लगता है। तो अगर जांच में बच्चा बार बार घर में गलत पाता है आपको या आपके मम्मी पापा को, तो छोटे भाई बहन का जो विश्वास है उससे कम होता है। तो बात ठीक है। कई बार ऐसा भी होता है कि बिना गलती के माँ बाप से दंड मिल जाता है, बिना गलती के शिक्षकों से दंड मिल जाता है, तब कैसा लगता है? गलती पे जब मिलता है तब तब भी लगता है लेकिन उतना नहीं लगता। कभी ऐसा हुआ है क्या कि बिना गलती के दंड मिला हो? तो ही उसके लिए आपके मन में भी सम्मान का भाव आता है।
अभी आपके वो बंदे उनके लिए सम्मान का भाव इसलिए नहीं आ रहा है कि वो बड़े पद से, इसलिए आ रहा है कि उन्होंने आपको आपके जैसा स्वीकार के ये तब याद रहेगा जब आप ऐसी पदों पर पहुंचेंगे तो नहीं बढ़ जाती है और फिर धीरे धीरे दो विद्रोह संघर्ष
द्रो कैसे द्रो ऐसे कई बार आप देखते होंगे ना छोटे भाई बहनों को कि वो पापा से थोड़ा नाराज है, मम्मी से थोड़ा नाराज है और पापा का न्यूज देखने का समय हो रहा है तो रिमोट छुपा देंगे, पापा का बाजार जाने का समय हो रहा है गाड़ी की चाबी छुपा देंगे। ये सब क्या है? द्रो। कई बार विद्रोह भी कर देते हैं। अगर उसकी कोई बात खराब लगती है तो आराम से बताने की जगह तो बहुत जोर से चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं। आपने देखा होगा घर में कुछ बड़े भाई तो उनके साथ जो ठीक नहीं लग रहा उसको आराम से कहने की जगह क्या करने लगे? बहुत जोर जोर से चिल्ला के बोलते हैं। ये क्या हो गया? विद्रोह। फिर आप चिल्ला के बोलने लगे, उधर से पापा भी वापस चिल्ला के बोलने लगे, काफी विद्रोह किसमें बदल गया? संघर्ष तक मामला टल गया तो टल गया, नहीं तो फिर इस पूरी प्रक्रिया में आप आराम में रहते हैं परेशान होते हैं और सामने वाला तो इस पूरी प्रक्रिया में आप भी दुखी होते हैं, दूसरा भी दुखी होता है। इस पूरी प्रक्रिया में आप भी सुखी होते हैं और दूसरा भी। अपने डायग्राम में इतना और पूरा कर लीजिए, तो
तो एक बात तो ये कि स्वस्थ रहने के लिए आहार और विहार दोनों को ठीक करना। तो विहार ठीक क्या है, ठीक विहार को लेकर तो हम 8 बजे तक भोजन करते हैं, 9:30 तक सो जाए, सुबह 4:30-5 बजे तक 4:30-5 बजे उठ के जब रात में जग के आप पढ़ते हैं या कुछ करते हैं वो काम शुरू नहीं कर सकते, है ना। सुबह कर लिया आपने नाश्ता, दोपहर में भी जो भोजन है वो ना 1 बजे के बाद, 1:30 बजे के बाद, अधिक से अधिक 2 बजे के बाद तो बिल्कुल नहीं, मतलब अधिकतम 2 बजे तक के पहले तो 2 बजे के बाद जब आप करते हैं तो फिर शरीर को थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है। तीसरी बात, जैसे होता है कि आपके शरीर में जब आप भोजन करते हैं ना तो उसको पचाने के लिए रस निकलते हैं शरीर से, केमिकल्स निकलते हैं, तभी वो पचता है। ऐसा नहीं कि आपने खा लिया और पेट में जाके पच जाए, शरीर के अंदर कुछ ग्रंथियां होती हैं जो कि केमिकल का स्राव करती हैं, जिस जो उस खाने में मिलता है तब पचता है, और वो रस है वो 4 बार 5 बार से अधिक नहीं निकलता है। जो लोग बार बार खाते हैं बहुत बार, एक समय के बाद उनके लिए दिक्कत होती है, तो 4 बार 5 बार हम उसको तय कर सकते हैं कि हम सुबह नाश्ता लिया, फिर हमने दोपहर में कुछ लिया, फिर शाम में कुछ लिया, फिर रात में लिया, तो वो तय कर लेते हैं। तो जितनी चीज शरीर में जाती है बचती चली जाती है। जैसे बहुत सारे लोगों को आपने सुना होगा शुगर में शुगर की बीमारी हो जाती है, वो शरीर में खाना ना पचने के कारण ही होता है। और भी कई तरह का देखेंगे तो अगर उसको ध्यान रखते हैं तो बहुत सारे लोगों को देखेंगे ना उधर गए उधर से कुछ लेके खा लिया, उधर गए उधर से लेके कुछ खा लिया, एक समय के बाद जो उम्र के बाद बच्चों को तो पता नहीं चलता, एक उम्र के बाद वो पाचन क्रिया पूरा जो है शरीर का दूसरी बात। तीसरा, अगर हम कुछ भी खाना खा रहे हैं तो उसमें 4 गुणों का होना जरूरी है। कौन कौन सा? एक तो स्वादिष्ट हो, दूसरा पाचन, पाचन मतलब पच जाने वाला, तीसरा उसमें पोषक तत्व भी जो शरीर को लगे पोषण भी करने वाला है, और चौथा शरीर से निकल जाने वाला है, ऐसा ना हो कि शरीर में चिपका रहे। तो जैसे आप देखेंगे ना जब आप रोटी खा रहे हैं, दलिया खा रहे हैं, इस तरह की चीजें खा रहे हैं तो उसमें कुछ फाइबर होते हैं, सुना होगा आपको, तो वो उसको शरीर से बाहर निकालते हैं। लेकिन जब उसी को सड़ा के ब्रेड बना लेते हैं, मंच बना लेते हैं, तो सड़ के बच्चा पता है ये आंतों में एक समय के बाद चिपक जाता है और वो चिपका रहता है। तो बहुत सारे लोगों को देखते होते हैं, बड़े लोगों को, और गैस बन गई, तो अगर सड़ेगा तो गैस तो बनेगी, एक समय के बाद वहाँ चिपक जाए, तो उसको देखेंगे तो वो इस तरह की चीजें तो सही से नहीं निकल पाती, आपकी आंखों में जाके कहीं ना कहीं वो चिपकने लगती है। आप उस वक्त जो आप खाना खाते हैं पेट पे, जो आप खाना खाते हैं तो पेट में ना ऐसे नली का एक ऐसे गोल गोल है जिसे देखा होगा, पूरा खाना उससे गुजरता है और कई फिटका होता है, हमारा फिटका होता है तो पूरे से गुजरता है, और उसमें अगर वो वैसे उसमें मुँह भी होते हैं तो अगर वो ऐसा चिपकने वाला है तो उस जगहों से चिपक जाता है आंतों में, तो फिर वो पूरा पाचन क्रिया एक समय के बाद, पाचन क्रिया जब अगर बिगड़ गई आदमी के शरीर में तो एक उम्र के बाद बहुत तरह के रोग लगते हैं। इसलिए ये भी महत्वपूर्ण है कि हम आहार को भी ठीक करें, और आहार विहार का थोड़ा बहुत कभी गड़बड़ी हो गई, कभी देरी हो गई, खाने में ज्यादा खा लिया तो श्रम करना भी जरूरी है। श्रम मतलब जैसे आप घर में कुछ मम्मी काम कर रही है तो समय योग कर देगा, पिताजी कुछ काम कर रहे हैं उसमें कुछ शरीर से कुछ कर रहे हैं उससे जो काम हो रहा है वो श्रम। मान लीजिए काम नहीं है इतना सा, मम्मी कर दे रही है तब क्या करें, व्यायाम कर ले, व्यायाम तो समझते नहीं ना, तो व्यायाम में मतलब दूसरा थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी हो, दौड़ भाग तो इतना कर लेते हैं, और अगर इन सबसे भी थोड़ा नहीं ठीक हो रहा तो बैठ करके क्या कर सकते हैं, थोड़े आसन, आसन करने से ना शरीर के जो अंगों में खिंचाव हो जाता है, डिसलोकेट हो जाते हैं, वो सब वापस अपनी जगह ठीक हो जाता है। प्राणायाम करने से क्या होता है कि आपके शरीर में जो गैस वो लेते हैं ना ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन सिर्फ कहाँ कहाँ काम आता है, बहुत जगह
ब्रेक किया, हम देखते हो कई बार शाम तक सर भारी हो जाता है। तो हमारे ज्यादातर केसेज में हम थोड़ा हमको उतना उपयुक्त ऑक्सीजन मिल नहीं पाता है, तो ब्रेन का रिस्पॉन्स कम हो जाता है। ऐसे देखेंगे तो फेफड़ों की कई जगहों पर कुछ ऑक्सीजन का प्रयोग होता है। तो एक तरह से शरीर में वायु का संतुलन ठीक बना, अगर वो बिगड़ता है तो हमारे समझने की प्रक्रिया और रिस्पॉन्स करने की प्रक्रिया बिगड़ने लगती है। तो उसके लिए भी ये प्राणायाम बहुत, ये तीनों करके अगर शरीर में कुछ गड़बड़ी बच गई, नहीं ठीक हो रहा है, तब कोई दवा नहीं है, तब कोई औषधि मतलब दवा है, तब दवाई की जरूरत है। उससे भी नहीं ठीक हुआ तब इंजेक्शन लगवा लेना, ऑपरेशन करवाना, वो सब बात की। अभी क्या हो गया, हम कुछ भी खाते हैं और दवाई से पचाते हैं। तो स्वस्थ रहने के लिए चारों को करना जरूरी है या खाली तीसरे चौथे वाले से काम? चारों को पहले किसको कितने लोग श्रम करते हैं? श्रम मतलब घर में मम्मी का सहयोग, पापा का सहयोग, थोड़ा व्यायाम कितने लोग करते हैं? थोड़ा बहुत फिजिकल एक्टिविटीज जो करते हैं, जंप कर लिया है ना, सब कर लिया। आसन कितने लोग कर लेते हैं? आसन 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 मतलब जैसे कि कई बार आप देखते हो कोई नस खिंच गई, देखते हैं ये तो बाहर की नस खिंची, पेटों में भी तो बहुत सारे और अंग हैं, वो भी तो खिंच जाते होंगे ना इधर उधर, कई बार ये नाभि अपनी डिसलोकेट हो जाती है, तो ये क्या बात है शरीर में इधर उधर का। तो आसन करते हैं ना, जैसे विशेष पोस्चर में बैठ गए, ऐसे आगे से उठा लिया पैर, इस तरह के जो आसन होते हैं वो हमारे शरीर में जो इधर उधर खिंचाव हुआ रहता है उसको बढ़ाते हैं। करते हैं वही योगा, योगा बोलते हैं आजकल आप, अच्छी और कितने लोग ऐसे हैं, कितने लोग ऐसे हैं जिनको साल भर में पांच या पांच से अधिक बार दवाइयां खानी पड़ती है? साल भर में पांच से अधिक बार दवाइयां खानी पड़ती है? पिछले साल अगर पांच बार दवा खाया है, इस साल सात बार खा, यानी पिछले साल की तुलना में अधिक बार दवाई इस साल खानी पड़ी, ऐसे कितने लोग जिन्होंने पिछले साल कम खाई थी इस साल अधिक खाई? ये याद रखने की जरूरत है, क्योंकि अगर पिछले साल की तुलना में इस साल अधिक दवाई खा रहे और इस साल की तुलना में अगले साल, तो हमारे शरीर की हालत ठीक हो रही है खराब हो रही है? ये सब ध्यान रखना भी जरूरी है। इसके लिए जिम्मेदार कौन है जो अधिक दवाइयां खानी पड़ रही है, डॉक्टर या हम खुद? खाली कहने के लिए भी, करने के लिए भी। पापा आने वाले हैं, पूछूंगा। चलिए ठीक है, अगेन ब्रेक करते हैं।